हाँ जी, इफ द ऑनर विथड्रॉज गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। अपने मार्क्स जरा लगाते जाएं, मार्क्स भी लगाते जाएं, ठीक है जी। इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स इफ अ कस्टमर सोल्ड गुड्स टू अवर बिजनेस द कैश वुड बी, इफ द कस्टमर सोल्ड गुड्स टू अवर बिजनेस द कैश वुड बी क्रेडिटेड। देखो ये वर्डिंग उल्टी लिखी हुई है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ते आए हो ना, हमने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख रहे, दूसरे के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। वो कह रहा है इफ अ कस्टमर सोल्ड गुड्स टू अस, ठीक है, तो अगर दूसरा बंदा हमारे बिजनेस को गुड सेल कर रहा है, इस तरह सोच लो, तो हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो खरीदने में कैश हमारा आउट होगा और कैश आउट होगा तो क्रेडिट होगा, सप्लायर होगा। हाँ वर्डिंग ठीक कर ले, चल ये मैंने ठीक कर ली। अच्छा जी, इसके भी मार्क्स लगा लो। ओवरड्राफ्ट इज इंडिकेटेड बाय अ डैश बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। बैलेंस ऑफ रिसीवेबल अकाउंट रिप्रेजेंट्स डेबिट। जो रिसीवेबल्स हैं वो एसेट है ना, और एसेट का बैलेंस, हाँ एसेट भी लिखेंगे तो ठीक है, फिलहाल कोई मसला नहीं, करंट एसेट जी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड इट्स एसेट्स, जी बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डैश कॉन्सेप्ट द बिजनेस इज रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ इट्स ऑनर्स, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, दो मुख्य नाम। तो कितने नंबर बने आप लोगों के, क्या अकाउंटिंग, नहीं नहीं कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है ना, क्या लिखा है, नहीं नहीं देखो हर बिजनेस में ये अप्लाई होना है, ये सिर्फ सोल ट्रेडरशिप में नहीं होना। लीगल एंटिटी तो वो है ना जो जो बाय लॉ है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आएगा तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सिर्फ सेपरेट होती है, सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप एक ही एंटिटी है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट सब सेपरेट है, तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद वो लिख रहे हैं जी नेक्स्ट में ट्रू फॉल्स, ये जरा ध्यान से क्योंकि मुझे पता है इसमें मिस्टेक्स होंगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप, फॉल्स। ये अभी अभी मैंने अभी स्टेटमेंट बोली, ये सब पे अप्लाई होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। Running finance is a short-term liability, although it may not be paid for in full for many years. Two, देखो overdraft वो ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, ये मैंने आपको overdraft कराते समझाया भी था कि overdraft एक जो भी amount of overdraw करोगे, हर amount different होगी ना, कभी कोई कराई कभी कोई करवाई, हर amount एक साल में pay करनी है तो balance zero नहीं होता, बैलेंस चलता रहता है कई साल तक। मिसाल के तौर पर यकम जून को करवाई, वो अगला यकम जून तक पे करनी है मैंने, तो बैलेंस तो 31 दिसंबर को रहेगा ना, ठीक है, तो इसलिए इसका बैलेंस कई सालों तक चलता रहता है, लेकिन ये करंट, फिर भी ये करंट लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बेसिकली हर अमाउंट एक साल के अरसे में पे करनी है, ठीक है। लोन जब आप लेते हो ना, लोन एक लमसम मिल जाता है, उसमें चाहे पे करो ना करो, वो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। ओवरड्राफ्ट जब यूज करोगे तब इंटरेस्ट पे कर, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टॉक इज ऑलवेज इक्वल टू द गुड्स परचेज फॉर रीसेल, फॉल्स। ऑलवेज का वर्ड नहीं है, बस अब मैंने स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदी बेचने के लिए, वो स्टॉक हो गया, जो बिक गई वो स्टॉक नहीं है अब, यानी इसका मतलब जो पूरे साल में परचेज की है वो इस वक्त मेरा स्टॉक नहीं है,
उसमें कुछ काफी बिक चुका होगा, तो स्टॉक इज ऑलवेज का वर्ड जो है वो गलत है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस. टू, आप देखो कि एंड कहां करते हो, आप एंड कहां करते हो अकाउंटिंग को, समराइजिंग. अ समराइजिंग इज द वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द पीपल कि जी हमारा ये प्रॉफिट है या लॉस है. अच्छा, अब सोल ट्रेडरशिप बिजनेस तो इंफॉर्मेशन नहीं देता, पार्टनरशिप नहीं देता, कंपनीज के लिए मस्ट है, उनके अकाउंट्स पब्लिश होते हैं. ठीक है ना, आप नेट पे जाओ किसी भी कंपनी की, पब्लिक कंपनी की, आप लिखो जी मुझे एनुअल रिपोर्ट चाहिए, आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब वो पब्लिश होते हैं. तो लिहाजा ये स्टेटमेंट टू है. एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन. फॉल्स, क्योंकि ये डीलिंग है, बिजनेस डीलिंग नहीं है. ठीक है, हाँ, अगर ये स्टेटमेंट होती एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज नोन एज ट्रांजेक्शन तो फिर ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन मैंने बताया था दो होंगी, एक बिजनेस और एक नॉन बिजनेस. बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है आपने. एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर शैल हैव सेम मीनिंग. फॉल्स. अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा ये भी समझ लें, ये लफ्ज पहली दफा आपने सुना. जब कोई आप एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, अमाउंट स्पेंड करते हैं शॉर्ट टर्म में, उसको एक्सपेंस कहते हैं. अगर कोई आप अमाउंट स्पेंड करते हैं लॉन्ग पर्पजेस के लिए, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं. मसलन मैंने प्लांट खरीदा, ये भी तो अमाउंट स्पेंड कर रहा हूं ना, इस अमाउंट का स्पेंड करने का बेनिफिट एक साल नहीं मिलेगा, कई सालों तक मिलेगा. जितनी लाइफ होगी प्लांट की उतने सालों तक. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंडिचर है. तो ये दोनों सेम मीनिंग नहीं होते. ठीक है, तो आपने मार्क्स ठीक कर लो. अच्छा, ये डेफिनेशन तो बाद में डिस्कस करते हैं, अब आइएगा आखिरी. अच्छा, इसमें वही चार स्टेप हैं अगर आप देखो. ठीक है, पहला आइडेंटिफाई करना है अकाउंट हेड्स, दूसरा करना है स्टेट एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स, तीसरा स्टेट मूवमेंट, और चौथा डेबिट और क्रेडिट. अब यकीनी बात है ये जितनी ट्रांजैक्शन है इसमें दो दो अकाउंट हेड्स होंगे. एक अकाउंट हेड एंड तक सही जाएगा तो एक नंबर है, मार्किंग स्कीम बता रहा हूं. एक कहीं पे भी गलत होगा वो गलत होगा. मसलन आपने अकाउंट हेड सही आइडेंटिफाई किया, एलिमेंट या इंक्रीज और डिक्रीज में गलती कर दी या डेबिट क्रेडिट में कर दी, वो गलत तसव्वुर होगा. एक पूरी लाइन का ठीक होना वन मार्क है. तो पहले आइएगा ऑब्टेन लोन फ्रॉम बिजनेस टू ऑपरेट द बिजनेस. बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से आपने लोन लिया, इसमें एक तो कैश आएगा, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और डेबिट होगा. ठीक हो गया, मैं फिर बोल रहा हूं, पहला एलिमेंट हेड ऑफ अकाउंट कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन एसेट डेबिट. दूसरा बैंक लोन, लाइबिलिटी लोन अकाउंट इंक्रीज और क्रेडिट. अब नहीं, ये मालिक तो नहीं ले, ये तो बिजनेस लोन ले रहा ना. देखो बिजनेस में पैसा दो सोर्सेज से आता है, एक मालिक खुद लगाता है और एक लोन की फॉर्म में लाता है, लोन लेता है. जो पैसा खुद लेगा वो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो वापस नहीं करना होता ना टेक्निकली, वो तो बिजनेस चलाने के लिए. हाँ, बिजनेस बंद होगा तो उसका राइट जरूर क्रिएट होता है, लेकिन वैसे वो कभी वापस नहीं लेगा, लेकिन लोन वापस करना होता है, इसलिए लाइबिलिटी. उसका एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ, 5 साल में पे करना है, 10 साल में पे करना है, इस वजह से. लेकिन कैपिटल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर. ये ओनर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये बैंक बिजनेस लोन ले रहा है बैंक से. ठीक है, बिजनेस लोन ले रहा है बैंक से. अच्छा, अब आइएगा परचेस्ड कंप्यूटर सिस्टम बाय कंप्यूटर शॉप बाय राजा शॉप कंप्यूटर शॉप फॉर कैश. इसमें एक हेड आएगा परचेजेस, क्योंकि आपने कंप्यूटर जरूर खरीदा लेकिन कंप्यूटर शॉप है आपकी, इसका मतलब कंप्यूटर खरीदा बेचने के लिए, अंडरस्टूड है.
तो परचेज एसेट इंक्रीज डेबिट, दूसरा हेड आएगा अकाउंट्स कैश है, सॉरी कैश फॉर कैश, कैश है, एसेट है, डिक्रीज हो रहा है और क्रेडिट। लेकिन फॉर कैश भी लिखा हुआ है ना, और हमने एक ट्रांजैक्शन पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया था अगर नाम भी आ जाए और कैश भी आ जाए परचेज और सेल में तो फिर आपने नाम नहीं लेना क्योंकि वो फिर कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। ठीक है, ऑनर ऑफ द बिजनेस हैज टेकन वन कंप्यूटर सिस्टम एट होम टू यूज इट फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी ऑनर जो है बिजनेस का वो एक कंप्यूटर सिस्टम घर ले गया ऑफिस में यूज करने के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए नहीं। ठीक है जी, तो अब क्या करोगे? एक तो नहीं, ड्राइंग्स तो वो होगी ना जो पर्सनल यूज के लिए, ये तो बिजनेस यूज के लिए है। जरा टेक्निकली देखें, जब आपने कंप्यूटर खरीदे थे ऊपर दिया हुआ है ना ट्रांजेक्शन, उस वक्त ये क्या थी? इन्वेंट्री, परचेज कह लो। अब जिस वक्त वो विड्रॉ कर रहा है, यानी घर लेके जा रहा है, विड्रॉ तो नहीं कहूंगा, घर लेके जा रहा है बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो इसलिए याद रखिएगा ये मेरा नॉन करंट एसेट बन गया। ये अब मैं बेच तो नहीं सकता ना, जो यूज में ले आए वो बिकेगा नहीं, तो एक हेड परचेज होगा, एक हेड इसमें परचेज होगा, परचेज एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बिक नहीं सकता, जो इन्वेंट्री है ना वो कम हो गई, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। दूसरा हेड जो है वो जो कंप्यूटर बेशक घर लेके गया है लेकिन वो एसेट किसका है? बिजनेस का। कंप्यूटर को डेबिट करोगे, कंप्यूटर जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, और इंक्रीज होने के बाद वो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, कंप्यूटर एसेट इंक्रीज डेबिट। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो सिंपल सी चीज है, इसको छोड़ते हुए कि कितने कंप्यूटर थे ये तो नहीं लिखा, मैं वैसे समझाने के लेता हूं जी। 5 कंप्यूटर हम खरीदते हैं, और जब मैंने खरीदे थे रीसेल के लिए कि मैं इसको बेचूंगा, एक कंप्यूटर 20,000 का है, 1,00,000 रुपए की अमाउंट हो गई ना, तो मैंने एंट्री में परचेस लिया जो हम पढ़ चुके हैं। परचेस हमारा एसेट था, एसेट इंक्रीज हुआ और इंक्रीज डेबिट होगा। बाकी दूसरा मैं नहीं बोला क्योंकि मेन चीज जो समझाने वाली है वो ये। कुछ दिन के बाद उसने कहा कि एक कंप्यूटर जो है अब मैं लेके जा रहा हूं ऑफिस यूज के लिए, ऑनर इसमें से एक कंप्यूटर जो है जहां मर्जी ले जाए कोई कंसर्न नहीं है। देखो जहां बैठेगा वहां ऑफिस का काम करेगा ना, उसे घर पे भी काम करना है तो घर ले गया, लेकिन वो एसेट उसका पर्सनल नहीं है, बिजनेस का है। तो लिहाजा अब आप मुझे बताओ कितने कंप्यूटर सेल कर सकते हो? 4, एग्रीड। अब आपके पास टोटल कितनी परचेस हुई हुई है? तो फिर एक काम करनी पड़ेगी कि नहीं, तो लिहाजा अब मैं परचेस को दोबारा लूंगा। अब परचेस एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। लेकिन अब जो परचेस नहीं है तो फिर क्या है? परचेज नहीं है तो फिर क्या है? एसेट हो गया ना, नॉन करंट एसेट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर कई सालों तक बेनिफिट देगा। तो लिहाजा दूसरा हेड इसका बन गया कंप्यूटर, ये एसेट हो गया, ये इंक्रीज और डेबिट। देखो एक एसेट कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में, यानी पहले वो करंट एसेट था अब वो नॉन करंट एसेट। याद रखिएगा एससी एंट्रीज को हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स, अकाउंटिंग में इनको हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट्स, क्योंकि ये कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ये एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन में इंटेंशन चेंज हो रही है जी। इंक्रीज हो रहा है ना, बिजनेस का एसेट बन गया, घर पे भी पड़ा हुआ है तो वो एसेट किसका है? तो बस फिर खत्म हो गई कहानी।
फोर स्टॉक है, एक एसेट है, वो भी एसेट है स्टॉक भी, लेकिन वो बिक जाएगा तो एसेट नहीं रहेगा ना, ये एसेट ही रहेगा एक, ये बिकने, ये बिकना है ही नहीं जब तक के आप इसको यूज करोगे, या खुद कहोगे कि हम नया ले लें, कोई अलहदा बात है, लेकिन आपने इसको यूज के लिए रखा है तो इसके फर्क आ जाता है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। इससे पहले जितनी एंट्रीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये बाकी जितनी भी एंट्री पढ़, इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग एंट्रीज, ये याद रखने लफ्ज, आगे जाके भी यूज करने हैं मैंने। रिकॉर्डिंग एंट्री हर वो एंट्री होती है जो के किसी ट्रांजैक्शन के होने पर रिकॉर्ड की जाती है। अब आप ये भी कहोगे ये भी तो रिकॉर्डिंग ही है ना, रिकॉर्ड तो हो रही है ना, नहीं इसका लॉजिक देखिएगा, ये एंट्री जो पहले हुई हुई है ना उसमें इंटेंशन चेंज होने की वजह से हम इसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं, मतलब बजाहिर कोई नई चीज नहीं हुई ना, सिर्फ ये हुआ कि इंटेंशन चेंज हुई। वो जो अभी बात कर रहे थे फ्यूचर में क्या होगा, ये समझ लो, एक अपने को क्वेश्चन थे ना जगह जगह पे कि जी आज खरीद रहे कल को क्या होगा, कल को अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, उस वक्त जब होगा उसको एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। अकाउंट्स में तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा ऑनर ऑफ द बिजनेस ब्रिंग्स पर्सनल वैन इनटू द बिजनेस फॉर डिलीवरी ऑफ स्टॉक टू कस्टमर्स। एक तो वैन हो गया, व्हीकल कह लो, वैन कह लो, जो मर्जी नाम लिख लो, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट और डेबिट, दूसरा कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी। हाँ जी, देखो मैंने कैपिटल की क्या डेफिनेशन, कोई कैश तो नहीं बोला था मैंने, क्या लिखवाया था, एनीथिंग एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू हिज और हर बिजनेस। अब उसकी पर्सनल गाड़ी थी, वैन थी, वो बिजनेस को दे दी उसने, तो इंक्रीज हो गया ऑनर्स इक्विटी। तो इसमें कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी, इंक्रीज और डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट आखिरी एंट्री, मुख्तार सन्स सोल्ड फर्नीचर टू अस रुपीज 60,000 टू बी यूज्ड इनटू द बिजनेस। मुख्तार सन्स ने हमें फर्नीचर सेल किया है और बिजनेस के लिए हमने उसको यूज करना है, बिजनेस के लिए, बेचना नहीं है, समझ आ गई ना, ये जो लिखा होता है ना यूज, ये डेफिनेशन है, एनीथिंग परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज, या एनीथिंग, दो मुख्तलिफ डेफिनेशन, एनीथिंग परचेज विद द इंटेंशन ऑफ सेल, ये इंटेंशन बता रहा है। अच्छा अब मजे की बात है कि ट्रांजेक्शन लिखी हुई है मुख्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने मुख्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इसको अब उल्टा कर दूंगा, अगर मुख्तार हमें सेल कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, परचेज हुई ना, तो अगर मैं कोई चीज परचेज करता हूँ बिजनेस यूज के लिए तो फिर परचेज तो नहीं लिखा जाता, उसका नाम लिखा जाएगा, इसमें एक हेड आएगा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट, ठीक है, और दूसरा क्रेडिट पे खरीद रहे हो क्योंकि कैश कहीं नहीं लिखा हुआ, हाँ जी वर्थ है, तो इसका मतलब है कि आप 60,000 मालियत का एसेट खरीद रहे हो मुख्तार सन से, तो पैसे तो देने हैं, अकाउंट्स पेएबल, लाइबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिट। जी हाँ हाँ, अदर पेपर लिख लो, कैश, कैश कहां से आ गया, अभी तो पेमेंट दिए तो नहीं है ना, अब आपने मुझे फीस अगर देनी हो, आप मुझे कहें 4 दिन बाद देनी है, तो मैं कैश रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैं उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा ना जिस दिन मेरी सिंपल पॉकेट में आएगी, ठीक है ना, लॉजिक समझो जी, आप कुछ कह रहे थे, जी देखो मसला ये है कि हम ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस की रिकॉर्ड, मुख्तार अपने बिजनेस की करेगा, उसके लिए सेल ही है, ठीक है, वो वर्डिंग ये लिख रहा है मुख्तार सन्स सोल्ड गुड्स टू अस, गुड्स नहीं फर्नीचर, टू अस फॉर यूज इन बिजनेस। अब ये इंटेंशन सर बताइए कि फर्नीचर क्यों खरीदा जा रहा है,
ठीक है। अच्छा सेल करने वाले के लिए जो इंटेंशन होती नहीं है ना, वो तो सेल है, इंटेंशन किसके लिए है? खरीदने वाले के लिए। तो इसका मतलब ये हमें इस ट्रांजैक्शन को बड़े ध्यान से देखना है। मुख्तार संस के पॉइंट से लिख जाऊंगा ना तो सेल लिखूंगा, लेकिन मैंने तो अपने बिजनेस में देखना है टू अस, तो हम क्या कहेंगे इसको कि वी हैव परचेज फर्नीचर फ्रॉम मुख्तार संस फॉर यूज इन टू बिजनेस, तो फिर परचेज तो नहीं आ सकता। अगर लिखा हो कि वी हैव परचेज फर्नीचर फ्रॉम मुख्तार संस फॉर सेल पर्पजेज, फिर परचेज हो जाएगा। तो जैसे इंटेंशन चेंज होगी ना, उसके मुताबिक हेड ऑफ अकाउंट हमें रिप्लेस करना है। तो ये जो परचेज और यूज, सेल और यूज, फॉर रीसेल और फॉर यूज, इससे आपका हेड ऑफ अकाउंट टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां तक भी डेफिनेशन को छोड़कर कितने नंबर बने आप लोगों के? देखो अब टोटल बनते हैं मेरे पास 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स 12, 12 और 10, 22। किसी के 22 में से 22 हैं? नहीं होंगे, कोई बात नहीं। तो डेफिनेशन तो खैर वो मैं बोल देता हूं, लेकिन ये कि आप लोग पढ़ी तो हैं, मुझे नहीं पता अभी याद की हैं या नहीं। इसमें पहला क्या है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज में लिखो, जैसे मर्जी वर्डिंग लिखो, इसमें हर की डिफरेंट हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होना चाहिए। ठीक है, सो फार एज द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न, या सो फार एज द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, या सो फार निकाल दो ना, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस एंड बिजनेस मैन शेल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज एंड वी हैव वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा हमने पढ़ा था ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हाँ जी, अब मैं एक और वर्डिंग भी बोल रहा हूं, एक और वर्डिंग भी बोल रहा हूं कि फॉर इन ईच ट्रांजेक्शन देयर शैल बी अ डेबिट अगेंस्ट ईच क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, यानी अगर मैंने एक डेबिट किया है तो दूसरा क्रेडिट लाजमी होगा, अगर एक क्रेडिट किया है तो दूसरा डेबिट लाजमी होगा। मैं नहीं कहता ये वर्डिंग लिखो, लेकिन मुख्तलिफ सीखनी चाहिए, लॉजिक समझोगे ना, मुख्तलिफ सीखनी चाहिए। तो मैंने वर्डिंग चेंज कर दी कि अगर एक ट्रांजेक्शन में डेबिट आ रहा है तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट भी होगा, अगर एक ट्रांजेक्शन में क्रेडिट आ रहा है तो उसके अगेंस्ट डेबिट भी होगा। इवन देयर कैन बी मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट इन वन ट्रांजेक्शन, बट द सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। मसलन एक ट्रांजेक्शन में तीन हेड ऑफ अकाउंट आते हैं, अभी तक हम दो पढ़ रहे हैं, अब अगले लेक्चर में तीन पे चला जाना है, दो तीन आ जाते हैं। यकीनी बात है तीन में से 1.5 डेबिट और 1.5 क्रेडिट तो हो नहीं सकते, अंडरस्टूड है? टू डेबिट होंगे वन क्रेडिट, या वन डेबिट टू क्रेडिट। तो जब हम सम करेंगे डेबिट टू क्रेडिट का उस ट्रांजेक्शन में, तो वो इक्वल होना चाहिए। तो समझ आ गई बात? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, इसके अलावा भी कर लिख सकते हो, पर ये तीन मैंने बोल दी। हाँ जी, उसके बाद डिफाइन बिजनेस एंड स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, वर्ड जब स्टेट आ जाए सिर्फ उसके नाम लिखने होते हैं। ठीक है, अब मैं लिखूंगा पहले तो बिजनेस क्या है, एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वो फिर आगे आ जाता है ना, प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी, पब्लिक लिमिटेड, उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वो लिख रहा है 10 एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंसेस, मुझे नहीं पता कितनी का आप लिखने में कामयाब हुए हो, सात लिखी है, अब 10 एग्जांपल्स हैं, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, हो सकता है किसी की मेरे वाली सेम ना हो, बहुत हो सकते हैं ना एक्सपेंसेस। मसलन
सैलरीज, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, पावर कॉस्ट, मैं जरा डिफरेंट लिखूंगा, अभी सारा समझाता हूं, मैं जरा खुद डिफरेंट लिख रहा हूं, पढ़ी है हमने पहले तो सिंपल सिंपल, जरा कुछ डिफरेंट भी होनी चाहिए। इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट, कमीशन, अभी ना लिखो डेप्रिसिएशन, अभी ना लिखो, ना ऐसे काम करो, दिल दुखाने वाली बातें मत करो, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए। नंबर आज है ना, आज दिन है ना, याद करो, और ये मेहदी हसन साहब की ये गजल सामने रखो, खुद समझ में आएगा। नंबर 9 क्या लिखा, और रिफ्रेशमेंट, और मिसलेनियस कर देना, इसके अलावा प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम वगैरह वगैरह बहुत मार। अच्छा अब आइएगा इनमें से एक खास तौर पे मैंने समझाना है, फ्रेट, और फिर कैरिज की तरफ आऊंगा। देखो ये एक वर्ड नहीं होता, इसके और भी होंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इन सिंपल वर्ड इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन के मोड कितने होते हैं, मोड, रोड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, बाय रोड जिसको कहते हो, बाय एयर, बाय सी, और बाय रेल, नहीं रेल तो लेता आ जाता ना, वो भी रोड, रोड तो नहीं है ना, ट्रैक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का हम चार मोड कहते हैं। जो गुड्स आप जो ट्रांसपोर्टेशन पे करते हो बाय रोड, उसको हम कहते हैं फ्रेट। ये सारे एक ही मीनिंग है लेकिन वर्ड डिफरेंट है। जो बाय एयर पे करते हो उसको कार्गो चार्जेस कहते हैं, बाय सी जो पे करते हो उसको डॉक चार्जेस कहते हैं, डीओसी के। रेल के थ्रू जो पे करते हो उसको रेलवे चार्जेस कहते हैं। अब अगर ये एक, अब ये कोई भी वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ मोड चेंज हो रहा होता है। अच्छा अब आइएगा कैरिज, कैरिज भी यही है, फर्क क्या है, कैरिज लोकल है, मिसाल के तौर पे बाय रेल मंगवा लिया, अब जो बिल्टी आई, बिल्टी कहते हैं ना हम इसको, जो बिल्टी आई है वो तो रेलवे स्टेशन तक आई है, जो भी उनका जो गोडाउन है वहां पर आई है, वहां से आगे भी तो लेके आना ना, लोकल कैरियर, वो जो उस पर एक्सपेंस पे करोगे वो कैरिज है, ठीक है। ये फर्क है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो है जो के आउट ऑफ सिटी कह लो, और फिर लोकल कैरियर भी होता है, वो भी कॉस्ट इसके अंदर शामिल होती है। ये मैंने कुछ एक्सपेंसेस लिखे, इसके अलावा भी बेशुमार एक्सपेंस है, तो जरा जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे हम कोई नए नए नाम। जी पावर कॉस्ट होती है, जो देखें जो फैक्ट्रीज होती है ना खासतौर पर, जहां प्रोडक्शन हो रही होती है, अगर इसको भी रुकी है यहां पर, तो 3 टैरिफ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, 3 टैरिफ होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, वो तो बिजनेस में यूज ही नहीं होता, निकाल दो, बाकी रह गए 2, एक होता है कमर्शियल और एक होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल शायद आपको ऑब्वियसली वास्ता नहीं पड़ा ना, वो तो इंडस्ट्रीज के लिए होता है। अब जो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जाती है ये वो नहीं है जो आम है, हाँ जी वो बड़ा, और बल्कि फैक्ट्रीज के अंदर वो लगे होते हैं काफी ज्यादा जी ट्रांसफॉर्मर्स, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी काफी प्रेशर होता है उस पर जो कॉस्ट पे करते हैं उसको पावर कॉस्ट कहते हैं। और इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है, गैस भी तो होती है ना, वो भी इसी में शामिल है जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। और जो अब देखो, अब मैं एक फैक्ट्री बनाता हूं, मशीन्स किससे चलाऊंगा, नहीं चलेंगे सारा, बिजली तो हर जगह चाहिए ना, मतलब देखें एज अ अकाउंटेंट मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि यार जो मशीनें हैं ना वो पावर से चलाओ, आम बिजली से नहीं चलनी, जो हमारे ट्रांसफार्मर वहां से लो, उसका टैरिफ हाई होता है, और जो बाकी ऑफिस की लाइट्स हैं अगर मैं उसको भी इंडस्ट्रियल चला लूं, चल तो जाएंगी,
लेकिन बिल से ज्यादा आएगा ना, तो इसलिए हम दो टैरिफ रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पड़ा है ना एक हेड, वो यहां नहीं लिखा, वो कौन सा हुआ फिर? ये जो ऑफिस वगैरह के लिए या इवन फैक्ट्री के अंदर जो लाइट्स लगी हुई, अब लाइट्स मैं उसमें क्यों चलाऊं? वो प्योरली हम रखते हैं किसके लिए? मशीन, क्योंकि मशीन जो है इतनी हैवी होती है, वो आप जो डायरेक्ट लाइट आ रही है ना, जो वापडा से डायरेक्ट आ रही है, उससे नहीं चल सकती वो, उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए। और हाई वोल्टेज आप कहां से जनरेट करोगे? थ्रू पावर। अक्सर बड़ी कंपनी का पावर प्लांट लगा होता है अपना, उसको हम कहते हैं पावर प्लांट, छोटा सा लगा होता है। कल ही मैं गया हुआ था फैसलाबाद एक अपने क्लाइंट के पास, तो रास्ते से गुजर रहा था, तो ये फैक्ट्री गुजरी थी, बड़ी फेमस नाम है, नाम भूल गया। तो उसके बाद बिल्कुल मोटरवे के साथ ही, तो मैं देख रहा था उसको, बहुत बड़े 20-25 उसने वो लगाए ट्रांसफार्मर्स, वो पूरा पावर प्लांट जो उस पूरी फैक्ट्री को मशीन्स को चला रहे हैं। अब उसका जो भी कॉस्ट पे करते हैं मंथली, इंक्लूडिंग यूजेज, उसके भी चार्जेस होते हैं, उसके भी चार्जेस होते हैं, वो सारी पावर कॉस्ट। ठीक है, कोई 9:05 हो गए हैं, पता ही नहीं लगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। पहले मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा।